तो काफ़ी दिनों पहले मुझे एक भाई ने जो है कमेंट किया था मेरी वीडियो के नीचे कि भाई जो है आप अपनी वीडियो को कैसे एडिट करते हो उसके ऊपर जो है आप एक वीडियो बनाओ परफेक्ट। तो मैं आज उसी के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि एडिटिंग के बारे में होते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने वीडियोज़ कैसे एडिट करता हूँ एकदम परफेक्टली। जो कि आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा मेरे वीडियोस कितने अच्छे होते हैं, मैं कैसी एडिटिंग करता हूं, तो उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले आपको एडिटिंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने जो है पहले डाउनलोड कर रखा है पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ एक बार। प्ले स्टोर खोलना है, उसके बाद आपको सर्च बार में जाना है और उसके बाद आपको लिखना है YOU उसके बाद CUT। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है यू कट आ गया। उसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है यू कट पहले से डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि मैंने जब से वीडियो यूट्यूब पर बनाना चालू किया है तब से ही मैं जो है यू कट को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जो है डाउनलोड करके पहले से रखा है, तो मैं इसे इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ, या आप जो है इधर से भी कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, उसके बाद हम उसके आपको जो है एडिट करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो जो है सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर जो है ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर साइन वाले निशान पे जाना है, आगे कर देना है और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो आ चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने वीडियो को एडिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं वीडियो को कैसे एडिट करता हूँ वीडियो यहाँ पर लाने के बाद वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे, उसके बाद हम वॉल्यूम पर जाता हूँ मैं। वॉल्यूम पर जाने के बाद हमें इसे पूरा फुल कर देना है 200 पर। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरा काम करना है, फिल्टर पे जाना है। फिल्टर पर यहाँ पर अगर आप जो है ऐसे भी इसमें जो है एक होता है ब्राइट, एक शॉर्ट स्टोरी, नेचुरल, वार्म, डार्क, बट ये सब हमें नहीं यूज़ करना है, मैं ये सब यूज़ करता ही नहीं हूँ। मैं सीधा एडजस्ट पर जाता हूँ, उसके बाद वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से मैं जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है लाइटनेस पर जाऊँगा, लाइटनेस पे मैं जाता हूँ 40 तक। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पे जाता हूँ 20 तक और वार्म पर भी मैं जो है 20 तक ही जाता हूँ। उसके बाद सेचुरेशन पे मैं 30 तक जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे कुकिंग का जो कलर है डो का वो अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं जो है यहाँ पर कर देता हूँ सेचुरेशन पर। उसके बाद मैं जो है शैडो पर करूँगा, शैडो आपको कर देना है 20। उसके बाद हम जो है शार्पनेस कर देंगे 40 तक। 40 तक शार्पनेस हमें करने के बाद अब हमारा जो वीडियो एकदम परफेक्ट, मतलब अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, अब बस हमें जो है इसे वीडियो के पार्ट कट करने हैं, बस हमें और कुछ नहीं करना, बाकी सब हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं वीडियो जो है कितना सुंदर और प्यारा लगने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये है, अब जो है हम जैसे कि हमने यहाँ पर ये फालतू चीज़ है, यहाँ तक का जो ये फालतू वाला पोर्शन है, यहाँ तक मैंने बिस्किट कट करना नहीं चालू किया, तो यहाँ वाला पोर्शन अगर हमें काटना है तो हम कैसे काटेंगे, इस तरीके से हमें वीडियो के ऊपर ही नीचे लेयर वाली पे क्लिक करना है इस तरीके से, और उसके बाद हम यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद हम इधर वाले पे क्लिक करेंगे और फिर हमें जो है इसे डिलीट वाले ऑप्शन से डिलीट कर देना है। उसके बाद अभी आप देखिए मैं जो बिस्किट कट कर रहा हूँ लाइन, अब मैं क्या करूँगा, जैसे एक लाइन मैंने कट कर ली, अब मैं चाहता हूँ कि जो है मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जो है शॉर्टकट में आपको पता भी लग जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बार और करूँगा और फिर जो है स्प्लिट कर दूँगा। अब हमें क्या करना है, जहाँ तक हमारा बिस्किट नहीं कटता है डो, वहाँ तक हम ऐसे खींच के ले आएंगे इसे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर ले आके और फिर हम जो है इस तरीके से क्लिक करके ऐसे एक स्प्लिट मार देंगे। अब हमें क्या करना है, अब जो है मैं इसे स्पीड पर डाल दूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर 4x लगा दिया, अब जो है ये वीडियो की लेंथ कम हो जाएगी। और इसके बाद अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने कट लगाया था इस वाले कट पर भी अगर हम कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादातर मिक्स वाला यूज़ करता हूँ, तो मैंने मिक्स पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सही वाले निशान पर ले आएंगे। अब अभी आप देखेंगे, ये देखिए, ये देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट आएगा, ये वाला इफेक्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर भी कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर लगाऊंगा। तो यहाँ पर इफेक्ट लगाने के लिए मैं जो है लगा देता हूँ स्लाइड का, स्लाइड में मैं ये वाला लगा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये वाला। और अभी आप ये देखिए स्लाइड का, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
तो ये वाला स्लाइड वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सारा बिस्किट जो है कट कर लिया है, तो अब मुझे आगे का दिखाना है। तो आगे का दिखाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से जो है ऐसे स्प्लिट करके स्लिप लगा दूंगा, क्योंकि मुझे क्या मेरा पता क्या ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ तक कट करके दिखा दिया, अब मैंने बता दिया कि मैंने जो ये कट कर लिया है, तो अब मुझे आगे कैसे कट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे कट करने के लिए जब तक हम कट नहीं करेंगे तब तक हमें वीडियो को आगे बढ़ाते जाना है, और फिर जब हमें कटिंग चालू करनी है वहाँ तक हमें ले आके थोड़ा सा, और उसके बाद हम जो है इसे स्प्लिट कर देंगे इस तरीके से, और बाकी इधर वाला जो पोर्शन है उसे हम डिलीट कर देंगे। अभी आप देखना, जैसे कि मैंने यहाँ से बता दिया आपको कि मैंने लाइन कट कर ली, अब दोबारा कैसे कट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने एक पीस आपको कट करके दिखा दूंगा, उसके बाद बाकी सेम प्रोसेस वही हम करेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं मैंने अभी कट कर लिया है, तो अब मैं चाहूँगा कि बाकी वाला पोर्शन मैं ना दिखाऊँ और उसे फास्ट फॉरवर्ड में भी ना दिखाऊँ और एकदम से दिखा दूँ, तो हमें जो है फिर से स्प्लिट करना है, और हमें या आप तो मिक्स ले आना है या फिर कुछ और ले आना है। मैं यहाँ पर मिक्स का जो है फिल्टर का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमें जो है सारे वीडियो को पीछे ले आना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे बीस कट कर लिए हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हाँ भाई मेरे वीडियो जो है सारे बिस्किट कट हो चुके हैं, तो यहाँ पर ले आके मैं जो है इसे छोड़ दूंगा ऐसे, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे स्प्लिट पर करके और ये सारा भाग हमें उड़ा देना है इस तरीके से, यानी डिलीट कर देना है। और अभी आप देखेंगे, ये देखिए अभी क्या लग रहा है कि सारे बिस्किट मैंने जो है वो कट कर लिए हैं। तो अब हमें कैसे उठाना है ये मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसी तरीके से आपको सारी वीडियो को में जो है कट लगाने हैं। यहाँ पर आप फिल्टर कोई और भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये फिल्टर लगाया था, अभी यहाँ पर कोई और फिल्टर भी आप लगा सकते हो, स्लाइड का लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, ये वाला, इसका भी आप फिल्टर देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर अगर सब्सक्राइब वाला स्टिकर लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं वीडियोस में साइड में लगा देता हूँ कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन वो वाला, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब टाइप करना होगा यहाँ पर। यहाँ पर मैंने स्टिकर जो है देख सकते हैं आप सेलेक्ट करके रखा हुआ है ऊपर यहाँ पर, तो अब जो है सब्सक्राइब ये ऊपर आ गया। अब मैं इसे सर्च कर लूँगा, अभी आप देख सकते हैं ये ऊपर साइड में जो है आ गया। मैं यही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे साइड में ले आऊँगा, क्योंकि बीच में हमें नहीं रखना है बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं ऐसे करके आपको लगा देना है ऐसे, इस तरीके से। अब इसके ऊपर भी आप जो है एनिमेशन सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद एनिमेशन पर जाना है। अब आपको दिखाना है कि आप जो है इसे कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो। ये देखिए इधर से आया, तो आप इसे बीच में भी जो है इस तरीके से क्लिक करके और इसे स्प्लिट करके, और यहाँ पर भी आप जो है कोई दूसरा एनिमेशन डाल सकते हो इस तरीके से। जैसे कि अभी देखना आप, जैसे मैंने एनिमेशन डाला था इधर से आया, अभी जब दूसरा वाला आएगा तो ये ऊपर से आएगा, तो बीच में भी इसमें और एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई दूसरा ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए अभी आप देखना, ये देखिए अभी ऊपर से आया, अभी देखना कैसे आएगा ये देखिए ऐसे आया। तो इस तरीके के आप जो है शॉर्टकट इसमें जो है एनिमेशन जो है यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लगभग मैंने आपको सारी चीज़ बताई। हाँ, यहाँ पर आप जो है इसे रोटेट भी कर सकते हो इस तरीके से, बट रोटेट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, रोटेट वैसे आप इसे फ्लिप कर सकते हो। जैसे मैं इधर से चाकू से जो है वो कट कर रहा हूँ, तो आप जो है इस तरीके से घुमा कर फ्लिप करके इधर से भी आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छा भी लगेगा। तो ये चीज़ आप जो है ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपको जो है वीडियो को वॉइस ओवर करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना और सारे वीडियो का जो है वॉइस बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर आप सारे वीडियो को जो है रिकॉर्ड कर सकते हो एकदम आसानी से। तो हमें तो रिकॉर्ड करना नहीं, तो हम जो है यहाँ पर इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सॉरी डिलीट नहीं हुआ तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। उसके बाद अब हमें जो है बेसिकली वैसे तो सब कुछ मैंने इसमें कर ही लिया है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि वीडियो चलते वक्त आपको कुछ और दिखाना है छोटा मोटा पोर्शन, या जैसे कि मैं कुकिंग का वीडियो बनाता हूँ तो बीच में मुझे मैदा वगैरह का लिफाफा वगैरह का जो है दिखाना हुआ, तो उसके लिए आपको पिप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कोई फ़ोटो अगर आपको दिखानी है, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये वाली फ़ोटो मुझे इसके अंदर दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा ऐसे क्लिक करके सामने ले आया,
उसके बाद मैं जो है इसके ऊपर एक एनिमेशन लगाऊंगा ताकि देखने में जो है अच्छा लगे। एनिमेशन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ले आया स्वेरल में। अभी आप देखना ये वीडियो कैसे आएगा, ये फ़ोटो ये देखिए इस तरीके आ गया। तो इस तरीके के आप जो है पिप के ऊपर क्लिक करके कोई वीडियो को जो है फ़ोटो या कुछ भी जो है लगा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जैसे कि वीडियो मैंने सारा सेव कर लिया, अच्छे से जो है एडिट कर लिया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बीजी पर जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 16:9 रेशियो पर हम क्लिक करके और सही कर देंगे। फिर हमें इसे सेव करना है। सेव मैं यहाँ पर करता हूँ हर बड़ी जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि हमारा फ़ोन है कैमरे से मैं शूट नहीं करता हूँ, अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है 1080p एंड 60fps पर इसे सेव कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने वीडियो सेव पर लगा दिया, यहाँ पर ऐड आ जाएगी एक, इस ऐड को आप जो है स्किप कर सकते हो क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है। उसके बाद एक चीज़ मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने वीडियो सेव होना जो है मेरा वीडियो सेव होना स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देखेंगे जैसे यहाँ पर 1% हो चुका है। अब मैं इसे ऐसे करके और ऐसे कर देता हूँ। अभी आप देखना एक चीज़, अभी देखना ये देखिए ये वीडियो बंद नहीं होता, ये एडिट होता ही रहेगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है इसकी। ये आप चाहे 12 घंटे बाद यूज़ करोगे तो भी ये चलती ही रहेगी। तो शायद मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा होगा तो कमेंट में आप मुझे पूछ लीजिएगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर जो है नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद आपका।